इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कैसे इंटीग्रेट करना है। उससे पहले हमें ये पता है कि ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डायरेक्ट आपके पास कोई भी फार्मूला अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। जो भी आप डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव देखते हो वहाँ उस लिस्ट में फार्मूला नहीं होगा, तो पहले इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पहले सॉल्व कर लें, बाद में इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बाइनोमियल है, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, दो टर्म है ना, उसका स्क्वायर है, कुछ एक्सपोनेंट है, तो आप क्या लगा दोगे, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, 2 रूट एक्स ए हो गया आपका और 1 बाई रूट एक्स क्या हो गया, b हो गया, ठीक है, dx। और ये सब कुछ हम लोग एक ब्रैकेट में प्लेस कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ से एक 1 बाई अंडर रूट कैंसिल हो गया, वहाँ पे सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे क्या बचा आपका, दैट अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व कर रहे हैं, इसको एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर रहे हैं। तो रूट हटेगा यहाँ पे, x आ जाएगा, यहाँ पे रूट हटेगा 1 बाई x आ जाएगा और ये माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये आपके 3 टर्म्स हैं, ये जो बाइनोमियल आपकी एक्सपेंड होकर 3 टर्म प्रोड्यूस करी। अब चूंकि इंटीग्रेशन क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर है, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब x का इंटीग्रेशन अलग प्लस 1 बाई x का इंटीग्रेशन अलग और फिर माइनस 2 का इंटीग्रेशन अलग, ठीक है। तो 2 भी हम इस स्टेप में बाहर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे, ये x की पावर n का फॉर्मूला आप लगा दोगे यहाँ पे, 1 बाई x, सोचिए किसका डेरिवेटिव होता था, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x होता था, इसका मतलब 1 बाई x का एंटी डेरिवेटिव log x हो जाएगा विथ बेस e। और 1 सोचिए x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता था, मतलब 1 का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा आपका, x हो जाएगा। तो ये आपके पास 2 तो पहले से है, माइनस इसका हमने कहा log x है विथ बेस e, उसे ln x भी कहते हैं, ठीक है। ये बुक में आपको यही दिया गया होगा इसलिए हम लिख दे रहे हैं, जबकि ये log का मतलब होता है विथ बेस 10, ठीक है। खैर ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 2, तो दैट इज योर। अच्छा यहाँ पे एक इंडेफिनिट कॉन्स्टेंट हमेशा लगा देंगे, है ना, एक पर्टिकुलर इंडेफिनिट, दैट इज फाइनल आंसर।